रिकॉर्डिंग तार तक की भी दी है बताओ बाबूजी बीच फोन हमला कुछ करे एक भी पुलिस वाला हमारे यहाँ नहीं आया और तीन महीने हो गए दो महीने का डेड मैन एग्जाम रिपोर्ट करते 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 थक गए खतरा जी बिना रिकॉर्डिंग इनको दी है रिकॉर्डिंग तार तक की भी दी है बताओ बाबूजी बीच फोन हमला कुछ करे एक भी पुलिस वाला हमारे यहाँ नहीं आया और तीन महीने हो गए दो महीने का डेड मैन एग्जाम रिपोर्ट करते 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 थक गए बाबूजी मेरे बेटे घर दे विच वड़ के एक नौजवान दा शरेआम बदमाशां दे वल्लों कतल कर दिता गया। जानकारी मुताबिक कहा जा रहा है कि 10 तो 15 दे करीब बदमाश हथियारां दे नाल लैस होके घर दे विच दाखल हुंदे ने ते शरेआम एक नौजवान दे उत्ते हमला कर दिता जांदा है। तेज़ तार हथियारां दे नाल कई बार उस नौजवान दे उत्ते कीते जांदे ने जिस दे कारण पहलां तां उह गंभीर रूप नाल जख्मी हो जांदा है ते उस नूं बदमाश कुटदे कुटदे घर तो बाहर लियांदे ने अते बाहर लिया के भी उस दे उत्ते दे दिनादन एक तो बाद एक हथियारां दे नाल हमला कीता जांदा है जिस तो बाद उसकी मौके ते ही मौत हो गई है। परिवारक मैंबरां दा रो रो के बुरा हाल है ते हुण इंसाफ दी गुहार लगाई जा रही है। तां मामला करनाल तो सामने आया जिथे कि एक नौजवान दे उत्ते 10 तो 15 के करीब बदमाशों ने हमला कर दिता। हालांकि जानकारी मुताबिक कहा जा रहा है कि सारे ही बदमाश हथियारों के नाल लैस होकर आए थे तेज तार हथियार उन्होंने कोल सी अते आउंदे सार ही घर दे विच जबरदस्ती वह दाखिल होंदे ने ते उस नौजवान के उत्ते हमला कर दिता जाता है। हालांकि परिवारक मैंबरों के वलों यह भी इल्जाम लगाए गए हैं कि उन्होंने एक शख्स के नाल पुरानी रंजिश भी चल रही है तो उसनू लेके भी लगातार हुण इल्जाम जो ने परिवार के वलों लगाए जा रहे हैं। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि उसनू जानों मारन दियां धमकियां भी कुछ दिनों तो लगातार मिल रही सन जिसकी शिकायत भी पुलिस नू दित्ती गई सी पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई तो हुण बदमाशों ने आके उसके उत्ते शरेआम हमला कर दिता जिसके कारण उसकी मौत हो गई है। तो परिवारक मैंबरों का भी रो रो के बुरा हाल है तो इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। बाबूजी बीच फोन हमला कुछ करे एक भी पुलिस वाला हमारे यहाँ नहीं आया और तीन महीने हो गए दो महीने का डेड मैन एग्जाम रिपोर्ट करते 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 थक गए पर हमारे यहाँ प्रशासन नहीं आया। कौन से थाने में रिपोर्ट कर रहे हैं? 32 थाने में SHO तक सुरेंद्र के पास कार्रवाई नहीं हुई। किसके खिलाफ रिपोर्ट करी थी? किसके खिलाफ रिपोर्ट करी थी? जागरूक वाले के पास। रिकॉर्डिंग सार तक की भी दी है बताओ। ये कौन है सार तक? हाँ जी कौन है ये? सर मेरा साला था। वो भी धमकी देता था? नहीं नहीं। हाँ उन्हें कोई धमकी नहीं थी सर। उनको भी मिली थी धमकी? ये मेरा साला था इसको जो अच्छा और सूचना मिली थी वहाँ एक लड़के चोट मार दी है तो पहले वहाँ गए थे हॉस्पिटल में वहाँ देखा भी डॉक्टर साहब चेक कर रहे थे फिर यहाँ मौके पे आए हैं और पता लगा वो गुजर गया है। 15-20 बदमाश युवक दिख रहे हैं सीसीटीवी में आए हैं हथियारों से लैस होकर जी कैमरों में कैमरे चेक कर रहे हैं। अब इन कंप्लेंट हथियार भी बरामद किए हैं काफी कंप्लेंट लेंगे जी इनकी और उसके बाद तो कार्रवाई करेंगे। सोनू नाम है सर। सिर्फ 5 मिनट में ही 15-20 लड़के एकदम धावा बोल दिया छुपने लगे घर में भी आके मार दिया एकदम एट द स्पॉट जाते जाते उसने दम तोड़ दिया। तो गंडासिया लेकर आए थे? गंडासिया चाकू थे उनके पिस्टल भी थी चाकू मारे हुए बहुत ज्यादा यहाँ पे अंदर वाली जगह पर्दे वाली जगह उन्हें चाकू मारे हैं। तो कोई रंजिश थी दुश्मनी थी? तो रंजिश तो यही बताएंगे सर क्या रंजिश थी। क्या काम करता था सोनू? दिहाड़ी मजदूरी करता सर इसीलिए कैमरे भी लगाए हुए हैं भी आके कोई हल्ला करता तो पता लगे आके पहले यहाँ गाली देने लगे गाली देते देते यहाँ घुस गए वो।